She is the most chilled out person here. बाकी सब panic mode में है. All thanks to my hostel के friends, जिनको time की कोई कदर नहीं है. अगर मेरे college में मुझे entry नहीं मिलेगा. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम लवशा. सो इट्स 13th of April टुडे एंड आज मेरे कॉलेज दैट इज वेंकी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आज कॉलेज में फेस्ट है. बेसिकली आज डे 2 है फेस्ट का, जो मेन इवेंट होता है. बट हमारे कॉलेज में किसी रीजन की वजह से जो मेन इवेंट की हाईलाइट होती है, जो होता है स्टार नाइट, जब कोई सिंगर आते हैं, बट वो नहीं हो रहा है. आई डोंट नो क्या रीज़न है उसका, हमारे कॉलेज वालों ने परमिशन दी नहीं है उसकी. बट हमारे कॉलेज में डीजे नाइट हो रही है, तो बाहर से आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट कोई डीजे आ रही है. सो उसके लिए हम आज जा रहे हैं. इट्स अबाउट 1:30 नाउ. वैसे प्लान था कि हम 1 बजे कॉलेज चले जाएंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में इट्स परफॉर्मेंसेज ऑफ सोसाइटीज एंड स्टॉल्स वगैरह होंगे, बट हम मेरी रूममेट की वजह से बहुत लेट हो चुके हैं. 2 बज रहे हैं, हम अभी निकलने वाले हैं. एंड यू कैन सी मैं बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ. आई विल शो यू माई आउटफिट इन अ बिट. अभी थोड़ा बहुत एक्सेसराइज करना बाकी है. एंड येस, आई एम सो एक्साइटेड. मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पहुँच चुके हैं. सो आई विल सी यू जब मैं पूरी तैयार होती हूँ एंड मैं कॉलेज के लिए निकलूँगी. कहाँ है? नहीं आ रही. अब तूने ये चीज़ बोली है वीडियो के अंदर. म्यूट कर दियो, गाना वाना लगा दियो. आपको रेडी कर रही है. एंड दैट इज जेनिफर. बस वो खुद रेडी हो रही है. खुद हो रही है. एंड शी इज द चिल, शी इज द मोस्ट चिल्ड आउट पर्सन हियर. बाकी सब पैनिक मोड में है. सो दिस इज द फाइनल लुक एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. स्पेशली ये नेकलेस जो मेरी लुक में 4 चांद लगा रहा है, ये मैंने मेरी किसी एक हॉस्टल फ्रेंड से बोरो किया है. एंड येस, दिस इज द ड्रेस एंड दीज आर द हील्स. प्लीज इग्नोर जो ये मेस हो रखा है. नाउ वी आर रेडी टू लीव. इतना बोलने के बाद भी हम लोग अब निकले हैं. मतलब ऑल थैंक्स टू मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स, जिनको टाइम की कोई कदर नहीं है और जिनको ये भी अब अगर मेरे कॉलेज में मुझे एंट्री नहीं मिलेगा, इन सबको तो मैं लेके जा रही हूँ. मतलब बाकी दोनों कॉलेज के, ये मेरे रूममेट के मैं घुसवा रही हूँ अंदर, अलाउड नहीं है बाहर के बच्चे. बट अगर मेरे को मेरे कॉलेज में एंट्री नहीं मिली ना, और इतना मैं तैयार होकर जा रही हूँ, बिकॉज लास्ट गेट्स 3 बजे बंद होने वाले हैं. 2:30 बज चुके हैं ऑलरेडी. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. फाइनली हम आ चुके हैं कॉलेज में. एंड एज यूजुअल दिक्कत हमें तो नहीं हुई एंट्री की, बट एक फ्रेंड को याद है मित्री वाले फेस्ट में एक आई फ्रेंड थी, आयत वो बाहर रह गई थी. सेम दोबारा उसके साथ ऐसा हुआ है इस बार. फेस्ट में तो एक ही दिक्कत है, ये टाइम फेस्ट करने का. वैसे फेस्ट सीजन है फेब टू मार्च कॉलेज में, बट ये अप्रैल में जो फेस्ट करते हैं ना, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी आपको दिख रहा होगा. बट एंड ग्राउंड पूरा ओपन है, यू कैन सी कुछ नहीं है, और इस तरफ भी स्टॉल्स है ऐसे ही. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. अभी से we are bored, क्योंकि ऐसा कुछ करने को है नहीं यहाँ पे. It's just that stalls लगे हैं and performances अभी हो नहीं रही है, तो stalls भी सिर्फ 4-5 है, कितना ही घूमेंगे. सो अब बहुत धूप मेन रीजन की वजह से हम नहीं इन्जॉय कर पा रहे हैं ज़्यादा, तो वी आर जस्ट सिटिंग एंड वेट कर रहे हैं कि डीजे नाइट कब स्टार्ट होगी. सनस्क्रीन इज अ वेरी गुड थिंग, सबको करना चाहिए एक्चुअली ड्यूरिंग फेस्ट. बट मैं नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास स्टिक वाली नहीं है. मैंने मेकअप किया हुआ है तो उसके ऊपर तो मैं ऐसे नहीं लगा सकती. कोई गिफ्ट करो इसे सनस्क्रीन. हाँ प्लीज, स्टिक वाली, स्टिक वाली सनस्क्रीन. ज्यादा ही लोग
फाइनली फाउंड अ प्लेस टू ईट. अगर आपको मुझे अब किसी फेस में ढूंढना है तो जहाँ पक्का होगा वहाँ मैं हूँ. बट आपको लविशा को ढूंढना ही क्यों है किसी भी फेस में, या कहीं पे भी मिलना हो अगर बाई चांस खुद से काला खट्टा बताए. बचपन की बात से मैंने नहीं खाया कभी. लुक एट हर टीथ गाइस, लाइक जस्ट हैव अ लुक. ज़ूम करूँ मैं? Because I don't know what happened, we look like vampires. See, it's pura red ooze ki wajah se. She has sucked blood out of so many people now. Tell your review of Fest. 4 out of 10. Wo 4 bhi isliye kyunki mera khud ka college hai. बट मजा आया फिर भी. स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा बेकार था, बस बैठे हुए थे. बट दिन बाद में जो डीजे थी, नॉट द बेस्ट डीजे जो ये बुला सकते थे, बट स्टिल एक्सपीरियंस. It was fun. पहले लोगों ने आपको से दिस पहले लोगों ने बोला कि डिसअपॉइंटमेंट. आई हैव टू से दिस इज माय कॉलेज में. या सो वी हैव थोड़ी रेपिटेशन बना के रखनी है ना. It for the college fest. So now I'll tell you my experience of the fest. So came back home with disappointment, fun and body ache because heels pehenna was not a good idea, and disappointment because this was not what we expected from the college. Literally sirf 4 stalls the pure din mein ghumne ke liye, and that too wahi regular stalls jo har DU mein lagte hai sirf khane ke, and 2-3 aise small business ke stalls. कुछ और कुछ करने के लिए था ही नहीं हमारे पास. ऊपर से इतनी गर्मी, ऑब्वियसली गर्मी वाली चीज़ उनके हाथ में नहीं थी, बट ग्राउंड को कवर करवा सकते थे, कुछ अच्छा करवा सकते थे और, लेकिन कुछ था ही नहीं करने को. एंड जो डीजे नाइट जिसके लिए हम इतने एक्साइटेड थे, वो चीज़ भी मतलब इट वॉज हमारे लिए फ़न बिकॉज हमको वैसे भी नाचने में बहुत मज़ा आता है, एंड लाइक पूरा ग्रुप ऐसे साथ में नाच रहा था, मज़े कर रहा था. बट अगर हम देखें तो वो डीजे भी इट्स नॉट द वही ना, मैंने पहले भी बोला कि नॉट द बेस्ट डीजे जो वो बुलवा सकते थे, बिकॉज लिटरली एवरी वन वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट एवरी वन वो सेइंग कि इससे अच्छे गाने तो हम खुद ही बजा लेते हैं. कुछ मज़ा था नहीं उस डीजे में, बस यही है कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप कहीं पर भी मज़े कर लेते हो, तो बस वही बात थी. जो हमारे कॉलेज में हुआ इसको फेस्ट नहीं बोलेंगे, बट यही था हमारे पास, हमने इसी में इंजॉय किया. ये डे 2 था फेस्ट का, एंड डे 1 मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ. इट्स जस्ट दैट सोसाइटीज़ की परफॉर्मेंसेस थी, एंड वही सेम स्टॉल्स थे जो आज थे. तो कल भी कुछ खास मज़ा नहीं आया, एंड आज भी कुछ ऐसा खास मज़ा नहीं आया. बट ठीक है, होपिंग कि नेक्स्ट टाइम जो हमारे वेंकी का फेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं नेक्सस, लाइक हमारे फेस्ट का नाम नेक्सस है, इसको हमने नेक्सस नहीं नाम दिया बिकॉज ऑब्वियसली नेक्सस ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ऐसे ग्रैंड लेवल पे होता है. तो इट वॉज जस्ट अ कल्चरल फेस्ट. आई होप कि नेक्स्ट टाइम किसी भी रीज़न की वजह से हमारे प्रिंसिपल हमको फेस्ट करवाने से मना ना करे, एंड बिकॉज लास्ट ईयर होगा. ठीक है, आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट ईयर मेरा लास्ट ईयर होगा, तो आई वॉन्ट टू इन्जॉय जो हमने हमारे सुपर सीनियर से सुना है कि नेक्सस बहुत अच्छा होता है, वो हमें भी इन्जॉय करना है.
And yes, that's it for this vlog. I hope you enjoyed it. If you like this video, give this video a thumbs up. Comment down your favorite part. And also comment down if you were at Venky's fest. Share this video with your friends and family. And subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, love yourself and take care of yourself. Bye.